नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों आज जो टॉपिक लेंगे हम लोग वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से है और उसका नाम है सैंपल यानी प्रतिदर्श। प्रतिदर्श या सैंपल क्या होता है इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा थोड़ा पॉपुलेशन या जनसंख्या के बारे में। जब कोई शोधकर्ता या रिसर्चर जब किसी चीज का रिसर्च करना होता है तो सबसे पहले वो समस्या लेता है, समस्या के बाद परिकल्पना बनाता है और परिकल्पना के बाद सैंपलिंग करता है। सैंपलिंग एक प्रोसेस है सैंपल लेने का, लेकिन सैंपल क्या है इसको हमें जानना होगा। अगर हम बहुत साधारण भाषा में कहें तो ये पूरा भारत में जितनी पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, पुरुष महिला बच्चे लड़के लड़कियां, इस संपूर्ण पॉपुलेशन का कुछ ऐसा हिस्सा निकाल लिया जाए जिसमें क्या हो उस हिस्से को उस पूरी जनसंख्या के ऊपर जनरलाइज कर दिया जाए। लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो वर्ड पॉपुलेशन वर्ड आता है, समिष्ट वर्ड आता है या जनसंख्या वर्ड आता है, वो सिर्फ लोगों की जनसंख्या से संबंधित नहीं होता है। इसके लिए हम किसी परिस्थिति या किसी समुच्चय या कोई व्यवस्था जिसका हमें सैंपलिंग करनी, हम घास के मैदान में जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या है, पूरा मैदान जनसंख्या है। जनसंख्या से जो भाग हम निकालेंगे और वो भाग हमारा सैंपल कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर हम जनसंख्या को कहें तो जनसंख्या व्यक्तियों या प्रेक्षणों, जहां पर हमें काम करना है, रिसर्च करना है, जनसंख्या व्यक्तियों या प्रेक्षणों का एक ऐसा समूह जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है जनसंख्या कहलाता है। इसको हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि जनसंख्या जब शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हम उस पॉपुलेशन वर्ड को लोगों की संख्या से जोड़ लेते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में पॉपुलेशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग का ग्रुप नहीं है, लोगों का ग्रुप नहीं है, वो कोई भी ऐसी परिस्थिति या प्रेक्षण हो सकते हैं जहां से हमें डेटा लेना है। अगर हम दूसरे शब्दों से में कहें तो ऐसा होगा कि जनसंख्या का तात्पर्य उन परिस्थितियों की संपूर्ण संख्या से है, उन परिस्थितियों की। अब जैसे एक बोरा चावल भरा हुआ है और उसमें से हमें सैंपलिंग करना है तो वो पूरा भरा चावल जो है वो पूरी संपूर्ण जनसंख्या है। तो जनसंख्या का तात्पर्य उन परिस्थितियों की संपूर्ण संख्या से है जिनके संबंध में कोई विशेष कथन बनाया जा सकता है। तो हम सैंपल लेने से पहले हमें जाने कि जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या वो संपूर्ण डेटा है जहां से हमें कुछ डेटा लेकर के एक जर्नल एक्टिविटी या रिसर्च के लिए जो सैंपल लेना है और उसी हिसाब से आगे एनालिसिस करनी है। तो ये क्लियर हुआ कि पॉपुलेशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग का ग्रुप नहीं है, वो हमारा रिसर्च का वो भाग हो सकता है, यानी रिसर्च प्रक्रिया में जहां से हम डेटा लेने जा रहे हैं वो सारा हिस्सा, वो सारा एरिया हमारा जनसंख्या कहलाएगा। अब हम जाने कि प्रतिदर्श या सैंपल क्या होता, तो सिंपल वर्ड में प्रतिदर्श का मीनिंग या अर्थ क्या है तो इसको हम एग्जांपल के तौर पर पहले डिस्कस कर लें। जैसे हम बाजार में जाते हैं तो कोई आलू का ढेर है या सपोज दैट दाल खरीदनी है, चीनी लेनी है या और कोई सामान खरीदना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उस आलू के ढेर से कुछ आलू चेक कर लेते हैं और कुछ आलू हाथ में लेते हैं और देखते हैं कि लगभग ठीक है। हम क्या करते हैं, उस आलू से जो डेटा मिला उस डेटा को उस पूरे ढेर के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं, यानी ये लगभग आलू सब अच्छे होंगे, कभी कभार कुछ खराब भी निकल जाते हैं। तो ये स्थिति क्या है, ये सैंपल कहलाएगा और ये जो प्रोसेस है इसको हम सैंपलिंग कहते हैं। जैसे हमने बताया कि चावल या दाल की बोरी, तो चावल की पूरी बोरी ओपन करके एक एक चावल हम लोग नहीं देखते हैं, चावल भरा हुआ है उसमें हम हाथ डाल करके एक मुट्ठी चावल निकालते हैं और उनको थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और हमें सब कुछ सही लगता है, उनका साइज, उनका कलर, ये सब कुछ सही लगता है। तो हम पूरा का पूरा डेटा क्या करते हैं, उस बोरे के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं कि इस बोरे के चावल अच्छे होंगे। तो सैंपल संपूर्ण जनसंख्या का वह भाग होता है, यानी प्रतिदर्श संपूर्ण जनसंख्या का वह भाग होता है जिसे संपूर्ण जनसंख्या के ऊपर लागू किया जा सकता है। अगर हम इसको थोड़ा साइंटिफिक भाषा में बताएं तो प्रतिदर्श जनसंख्या से चुनी गई वह संख्या है जो जनसंख्या के जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व मतलब पूरी की पूरी जनसंख्या के ऊपर जनरलाइज कर दी जाए कोई ऐसी सैंपल या कोई ऐसा डेटा या कोई ऐसी जानकारी। आगे हम कहें अगर तो हम लेते हैं प्रतिदर्श
के लिए हम अगर दूसरे शब्दों में इसी को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं जनसंख्या का, या हम कह सकते हैं जनसंख्या का एक ऐसा अंश या भाग, जनसंख्या का एक ऐसा अंश या भाग जिसे हम प्रतिदर्श कहते हैं जो उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती। अनुसंधानकर्ता को के एक बड़े समूह से एक छोटा प्रतिनिधित्व समूह छांट लेना क्या कहलाता है? सैंपलिंग। और डेटा जो होता है वो सैंपल कहलाता है। यानी कोई अनुसंधान करता है किसी बड़ी जनसंख्या से कोई एक छोटा भाग चुन लेता है और वही चुना हुआ भाग जो पूरी जनसंख्या के ऊपर लागू किया जा सकता है उसको हम प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें किसी हम विश्वविद्यालय में गए और वहां लगभग 10,000 छात्र हैं, 10,000 छात्रों में से हमने करीब 100 छात्रों को चुन लिया और ये जो चुने हुए 100 छात्र हैं ये हमारा सैंपल कहलाएंगे। तो ये और वो जो 10,000 छात्र थे वो जनसंख्या कहलाएगी। क्लियर हुआ? अगर हम सैंपल की परिभाषा की बात करें तो अलग अलग एजुकेशनिस्ट अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। जैसे मोहसिन के अनुसार अगर हम कहें तो विशेष प्रकार की वस्तुओं के संपूर्ण समूह के एक अंश को प्रतिदर्श कहते हैं। विशेष प्रकार की वस्तुओं के संपूर्ण समूह के एक अंश को प्रतिदर्श कहते हैं। हिलगार्ड ने भी दिया है, हिलगार्ड ने अपनी परिभाषा दी है, इनकी थोड़ी परिभाषा बड़ी है, समझ लेते हैं। प्रतिदर्श का तात्पर्य प्राप्तांकों के संपूर्ण सेट जिसे जनसंख्या कहते हैं से लिया गया प्राप्तांकों का एक अंश होता है। चैपलिन ने भी प्रतिदर्श को बताया है। चैपलिन कहते हैं प्रतिदर्श वह चुना हुआ अंश है जो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है कि सैंपल होता क्या है। सैंपल संपूर्ण जनसंख्या का वह भाग है, वह छोटा सा चुना हुआ छोटा सा भाग है जिसे हम संपूर्ण जनसंख्या के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं यानी या लागू कर सकते हैं। अगर हम और रेवर की परिभाषा को बड़ा प्रसिद्धि मिली थी, रेवर क्या कहते हैं? प्रतिदर्श किसी जनसंख्या का वह भाग है जिसका चयन कुछ इस तरह से किया जाता है, जिसका चयन कुछ इस तरह से किया जाता है उसे उस जनसंख्या का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व समझा जा सके। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रतिदर्श किसी जनसंख्या का वह भाग है जिसका चयन कुछ इस तरह किया जाता है कि उसे उस जनसंख्या का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व समझा जा सके। तो ये क्लियर बात हुई कि सैंपल होता क्या है, क्योंकि हमने इसको कई अलग अलग एग्जाम्पल से आपको हमने बता दिया कि सैंपल होता क्या है, जनसंख्या, ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। बहुत देसी एग्जाम्पल से हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर हम बात करें प्रतिदर्श किसी जनसंख्या का एक अंश या भाग होता है, जनसंख्या का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, बहुत ब्रॉड है जनसंख्या, जबकि प्रतिदर्श का क्षेत्र काफी सीमित होता है। जैसे हम किसी खेत में गए और देखा कि इसमें चने और अरहर के बीज बोए गए हैं और वो पेड़ उग गए हैं। अब हमें क्या करना है? डेटा कलेक्ट करना है, चने के पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है उस खेत में। तो उस खेत में हम क्या करेंगे? बहुत सारे सैंपलिंग के मेथड हैं, वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन मेथड के द्वारा हम उसमें से क्या करेंगे, कोई एक तरीका अपनाएंगे, रैंडम सैंपलिंग कर लेंगे या और कई कोऑर्डिनेट मेथड वगैरह लागू करके हम क्या करेंगे, कुछ डेटा ले लेंगे और वो डेटा क्या होगा, उस पूरे खेत के ऊपर जनरलाइज किया जा सकता है। यानी संपूर्ण जनसंख्या का वह चुना हुआ भाग जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। प्रतिदर्श का संबंध सदैव किसी जनसंख्या से होता है, जनसंख्या से अलग प्रतिदर्श का कोई औचित्य नहीं होता, बिना जनसंख्या के सैंपल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्रतिदर्श के संबंध में जो सूचना प्राप्त होती है वह उस जनसंख्या पर लागू होती है जिस जनसंख्या से उसका चयन किया गया। तो ये बात क्लियर हुई कि सैंपल होता क्या है और जनसंख्या क्या होती, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। अब हम ये बात जानें कि ये सैंपल जो है, सैंपल में विशेषताएं या गुण, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत बार आया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल्स। सैंपल का जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वाइबा में बहुत पूछा जाता है, सैंपल का साइज, सैंपल यानी प्रतिदर्श का आकार सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स को रट लीजिए, कभी कोई क्वेश्चन बने
आप ऑप्शन आए तो इस पर जरा फोकस करिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है सैंपल का साइज? कोई हम डेटा लेते हैं उसके साइज से क्या मतलब है, आकार से उसके क्या मतलब है। जैसे हम 125 करोड़ भारतीय हैं और इसमें से एक भारतीय को पकड़ें और कहें कि तुम प्रधानमंत्री के बारे में बताओ, जो कुछ बताए उसको हम पूरी भारत की जो 125 करोड़ जनसंख्या है उस सैंपल को जनरलाइज कर दें, क्या ये डेटा कुछ सही होगा? आप खुद जानकार हो, समझदार हो। जैसे अब यहां साइज का मतलब है, जब 125 करोड़ लोग हैं तो इसमें से क्या होना चाहिए, मैक्सिमम साइज होना चाहिए। बड़े से बड़ा साइज लेंगे तो हम प्रधानमंत्री के प्रति जो डेटा मिलेगा वो हम जर्नलाइज कर पाएंगे। तो कुछ विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला, प्रतिदर्श की जो विशेषता होती है, सैंपल की जो विशेषता होती है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, यानी बिना जनसंख्या के उसका कोई अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं होती। दूसरा, संभावित सिद्धांत पर आधारित, जो हमने कुछ प्रिंसिपल लिए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो एथिक्स हैं उनको ध्यान में रख करके। जनसंख्या की समजातीयता, समजातीयता मतलब एक जैसी जनसंख्या हो। अब कोई व्यक्ति बहुत छोटा बच्चा है और उसके विचार हम बहुत बड़े व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति के ऊपर लागू करें तो वो बड़ी स्थिति खराब होगी। बहरहाल सैंपलिंग के अलग मेथड है, तो वहां समजातीयता और जो विषम जातीयता है इस पर हम काम करते हैं, लेकिन अच्छे सैंपल की प्रॉपर्टी है कि वहां सैंपलिंग में समजातीयता जनसंख्या में होनी चाहिए। प्रतिदर्श का पर्याप्त आकार, हमने जैसे साइज के बारे में बताया कि साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इसमें श्रम और धन और समय कम से कम लगने वाला होना चाहिए। ऐसा सैंपल अच्छा होगा जिसमें धन भी कम खर्च हो, जिसमें समय भी थोड़ा कम लगे और जिसमें मेहनत भी कम करनी पड़े। यादृच्छिक होना चाहिए, यादृच्छिक मतलब रैंडम होना चाहिए। ये नहीं कि पहले से प्लान्ड लोगों को है कि ये लोग आएंगे और हमसे सवाल पूछेंगे। पक्षपात से मुक्त हो, बायस्ड नहीं हो, स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। प्रतिचयन अशुद्धियों से, इररलेस होना चाहिए, अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए और अध्ययन के उद्देश्यों से भी मुक्त होना चाहिए। नहीं, जिस हिसाब से रिसर्च कर रहे हो उसी हिसाब से आप क्या है डेटा लेने जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रतिदर्श जो होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपल, सैंपल के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो निश्चित इकाई का चयन किया जाना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ काम करें कि कोई प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए जिसमें से हमें सैंपल लेना चाहिए। इसमें प्रतिचयन विचलन को कम करना चाहिए, जो वेरिएशन होते हैं प्रतिदर्श के, जब प्रतिचयन सैंपलिंग हम अलग से इसको डिफाइन करेंगे बाद में बताएंगे, पहले आप सैंपल जान लीजिए। जो सैंपल है वो अशुद्धियों से मुक्त हो, मुद्रा की बचत करे, छोटे प्रतिदर्श का चयन किया जाना चाहिए। ये बेसिक कुछ उद्देश्य है। इनकी उपयोगिता, यूटिलिटी क्या होती है, प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए इनका ज्यादा महत्व, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें सैंपल का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसकी परिशुद्धता में वृद्धि, मतलब बहुत ज्यादा रिलायबल हो, शुद्ध हो, उसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो। कार्य गति में तीव्रता होनी चाहिए, जटिल कठिनाइयों से निजात होनी चाहिए, ऐसा कोई सैंपल नहीं होना चाहिए जो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का हो। जिस एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण चित्रात्मक प्रदर्शन के माध्यम, जो सैंपल हम लें उनको बाकायदा फ्लो डायग्राम वगैरह से बताएं। इसमें परीक्षण का प्रशासन में जो सुविधा वगैरह है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि इसके दोष क्या होते हैं, प्रतिदर्श के दोष बहुत होते हैं, पक्षपात की संभावना बहुत ज्यादा पाई जाती है, कभी कभार जैसा हमारा प्रॉब्लम है वैसा हम करते हैं। इसमें शुद्धता की कमी होती है, ये जो अशुद्ध, ज्यादा अशुद्धता हो जिसमें वो सैंपल अच्छा नहीं होगा। इसमें एक और सही प्रतिनिधित्व की समस्या, आप कोई डेटा हम लेकर आते हैं, सैंपल लेकर आते हैं तो कभी कभार, अब आप जैसे मैंने चावल का एग्जाम्पल लिया, अब उसमें होशियारी की गई हो, ऊपर करीब 2 फीट ऊपर तक बोरे में क्या है अच्छे चावल भर दिए उसकी तली में खराब, तो ये क्या होगी, शुद्धता की बात नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगा डेटा। जनसंख्या का विषम जातीयता जब होता है तब भी, जब सेम जनसंख्या नहीं होती है तब भी प्रॉब्लम आती है, तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए सैंपल में। तो क्लियर हुआ सैंपल क्या है और जनसंख्या क्या है। इसके बाद का वीडियो हम सैंपलिंग से लेंगे और उसके मेथड बताएंगे। अभी तक के लिए ये वीडियो आप देखिए, अपने अनुभव जरूर कमेंट में लिखा करो। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, इससे हमें पता नहीं चलता आपको वीडियो कैसा लग रहा है।
और थोड़ा विस्तार से भी कमेंट किया करो ताकि आपकी भावनाएं हमें पता चले, क्योंकि क्लास में होते हो तो हम फेस एक्सप्रेशन से जान जाते हैं आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन यहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बताना पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, उससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आप बताएंगे तो हम वीडियो की क्वालिटी को और मेंटेन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।